बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लगातार कई तरह के अपडेट्स सामने आ रहे हैं। मुंबई पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। इस बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में सुशांत सिंह राजपूत के निधन को लेकर सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा सहित कई नामी हस्तियों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान वकील सुधीर कुमार ओझा ने परिवाद में शामिल लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने को लेकर कोर्ट से अपील की, साथ ही मामले में कोर्ट के स्तर पर जांच की मांग की। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने इस पर फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है। आपको बता दें, इसी मामले में बिहार के मुजफ्फरपुर में परिवाद दायर किया गया, जिस पर शुक्रवार को CJM कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान सलमान खान की तरफ से अधिवक्ता NK अग्रवाल कोर्ट में उपस्थित हुए, वकालतनामा दाखिल किया। कोर्ट में दायर इस पूरे केस के तहत सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियाडवाला, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर समेत बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियों को आरोपी बनाया गया है। परिवाद दायर करने वाले वकील सुधीर कुमार ओझा ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से सभी आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने और कोर्ट के स्तर पर जांच की मांग की है। फिलहाल आपको बता दें, परिवाद में आरोप लगाया गया है, फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत काफ़ी आगे चल रहे थे, उन्हें नीचा दिखाने के लिए आरोपी लगातार साजिश रच रहे थे। फिल्म निर्माता निर्देशकों ने सुशांत का बहिष्कार किया, उनकी फिल्मों को रिलीज़ नहीं होने दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे बिहार का उभरता कलाकार उनको पीछे छोड़कर आगे निकल जाए। ऐसी स्थिति इन सब ने मिलकर पैदा कर दी कि सुशांत को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिलहाल आपको बता दें, जगह जगह सलमान खान, करण जौहर, इन सबके खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं। जगह जगह इनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, जो इनकी मुश्किलों को लगातार बढ़ा रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।